स्टूडेंट्स टू माय चैनल एस्ट्रो साई गुरु। आज हम महाअष्टमी, आज 24 अक्टूबर आज हम जो है मना रहे हैं। आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। आज अष्टमी तिथि पर हम जो है दुर्गा स्वरूप महागौरी की पूजा करेंगे। और महागौरी की का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लुभावना है। और माता महागौरी की पूजा से हमें जो है सब फल प्राप्त होंगे और हमें जो है हमारा मन शुद्ध होगा और हमें पापों से मुक्ति मिलेगी। ये नवरात्रे के समापन का जो है समय जो है इसमें जो है बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही पावरफुल समय है और इसे हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। महागौरी की कथा ऐसी जाती है कि माता गौरी ने जो है कठोर तप किया था, बगैर जल अन्न के ग्रहण करा था और उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने तप किया था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और उनका पूरा शरीर जो है बिल्कुल काला सा हो गया था, गंदा सा हो गया था। और इस तप और इस विधि के अनुसार उनको जो है भगवान शिव जी जो है उनको प्राप्त हुए और भगवान शिव जी ने गंगा से उनको स्नान कराया, इसलिए उनका नाम ही महागौरी पड़ा। और इसीलिए जो है माता का जो स्वरूप है वो इतना निर्मल और बिल्कुल स्वच्छ गंगा की तरह है। और वो बिल्कुल जो है उनका श्वेत वस्त्र धारण में दिखेंगी। और उन्होंने जो है उनके हाथ में जो उनके चार हाथ हैं, चार हाथों में जो है उनके जो है पूरे सुशोभित हैं खड़ग से और जो है और अन्य विभूषित चीज़ों से। और माता को पूजा करने का विधि भी बहुत सरल है। आप नहा धो के आज के अष्टमी वाले दिन माता के स्वरूप या महागौरी की तस्वीर या माता दुर्गा की तस्वीर के सामने आप बैठकर उनको स्नान कराएं, जल और गंगा जल दूध से अभिषेक हो सके तो अभिषेक कराएं, नहीं तो आप जो है उनकी तस्वीर के सामने जो है बैठ के आप जो है उनकी उनको फल मिष्ठान और अन्य सूखे मेवे आदि अर्पण करें जिससे उनको पसंद आएगा। और ये मंत्र आप चांट करें, ओम महागौरी नमः, ओम महागौरी नमः। ये मंत्र बड़ा लाभकारी है और बहुत ही शुभ है। इसको आप आज के दिन अष्टमी के दिन जितना आप इसको जप करेंगे उतना उसका आपको लाभ मिलेगा। एक महागौरी की पूजा करने से हमें जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या फल मिलेगा। देखिए जी, किसी भी देवी का और ख़ासकर आज महागौरी के अष्टमी तिथि पे हम पूजा करेंगे तो फल तो निश्चित मिलना ही है, इसमें कोई शक या संदेह की कोई बात ही नहीं। और महागौरी की पूजा से क्या होता है, अगर आप ग्रहों के हिसाब से देखें तो शुक्र ग्रह हमारा बलवान हो जाता है। जिन लोगों का ग्रह शुक्र ग्रह नीच का है या वो पापी ग्रह से दूषित है वो जो है महागौरी की पूजा करें, इससे शुक्र ग्रह बलवान होगा, इनको अच्छा वर मिलेगा, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ऑल कंफर्ट्स उनको मिलेंगी। और माता क्या स्वरूप से इनको जो है जिन लोगों को दिक्कत आ रही है शादी में, वेदर वो लड़का है या लड़की है, उनको अच्छा वर या वधु मिलेंगे और इनको जो है इनकी सारी जो है ऐश्वर्य की चीज़ें जो हैं लग्जरीज ऑफ लाइफ वो एंड कम्फर्ट्स वो उनको मिलेंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है आज के दिन अष्टमी तिथि के दिन आप जो है माता गौरी की पूजा जरूर अवश्य करें। जो लोग हवन कर सकें आज बहुत अच्छा रहेगा। हवन में एक चीज़ ज़रूर नोट करें कि आप उसमें गुड़ का प्रयोग जरूर करें, आप गुड़ की आहुति जरूर डालें, इससे आपका जो है ऐश्वर्य और प्रसिद्धि और नेम एंड फेम आपको जरूर मिलेगा। और आप महागौरी नमः स्वाहा के उससे जो है आप उनको जो है उनकी हवन में इसको इस मंत्र का जाप करें। मैं आपको फिर से अष्टमी तिथि की शुभकामनाएं देते हुए माता गौरी और दुर्गा माँ आप पर कृपा बरसाएं और सब पर कृपा बरसाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल एस्ट्रो साई गुरु को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड मे दिस नवरात्रि ब्लेस यू विद हेल्थ वेल्थ पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेंटी। थैंक यू माय फ्रेंड्स।